16 सितंबर 2010 को लंदन में शहीद होने वाले एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर इमरान फारूक की पहली बरसी के मौके पर कराची में डॉक्टर इमरान फारूक की रहायशगाह पर सोगवारों के इज्तिमा से खिताब करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना था कि डॉक्टर इमरान फारूक एक शख्सियत का नहीं बल्कि तहरीक की तारीख, जद्दोजहद, न खत्म होने वाली परेशानियों और दुश्वारियों से मुकाबला करने और साबित कदमी की इंतहा का नाम है। उनका कहना था कि शहीद इनकलाब की नमाज जनाजा में शिरकत के बावजूद आज तक उनकी मौत का यकीन नहीं आया। उनकी शहादत को एक साल गुजर गया, अभी तक न दिल मानता है न जहन मानता है, गो के मैं खुद नमाज जनाजा में शरीक था। इस मौके पर अल्ताफ हुसैन ने डॉक्टर इमरान फारूक की मागफरत, इमरान फारूक के वालदेन और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ कराते हुए अंदरून सिंध तूफानी बारिश और पंजाब में डेंगू वायरस के 22 इंतकाल करने वालों के लिए दर्जा शहादत और बीमारियों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ कराते हुए कहा कि अल्लाह ताला कराची को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह ताला शहर कराची में भाईचारा, अमन और हस्ती पैदा कर, यहाँ रहने वालों के दिलों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा कर, यहाँ रहने वालों में, यहाँ के शहरियों में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा, प्यार मोहब्बत पैदा फरमा और इस शहर को अमन का गहवारा बना दे। इससे कबल लाल किला ग्राउंड में मुनक़दा बरसी के इज्तिमा के मौके पर राबता कमेटी के रुकन डॉक्टर सगीर अहमद ने हुकूमत बरतानिया से डॉक्टर इमरान फारूक के कातलों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कहा कि रोज अव्वल से ही सियासी मुखालिफिन की जानिब से शहीद इनकलाब के कातलों के हवाले से प्रोपेगंडे का मकसद तफ्तीश के रुख को तब्दील करना है कि मुत्तहिदा कौमूमेंट से ज्यादा किसी को इस बात का, मुत्तहिदा कौमूमेंट के कारकुनान से ज्यादा किसी को इस बात से कोई लगाव, कोई सरोकार शायद हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर इमरान फारूक भाई के कारकुनों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और करार वाकई सजा दी जाए। मैं ऐसे तमाम अनासर को कंडेम करता हूं कि जो उन्होंने बेबुनियाद अफवाहें फैलाई, कभी बात की किसी हवाले से, कभी बात की कि जी फला गिरफ्तारी, कभी बात की कि फला शवाही सामने आ गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इससे ये हुआ है कि जो तफ्तीश का जो दायरा कार है, तफ्तीश की जो सिमत है, वो तो यकीनन ख़राब हो जाती है, उसका रुख मुड़ जाता है, लेकिन उससे तफ्तीश को कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर इमरान फारूक की पहली बरसी कराची, हैदराबाद, अंदरून सिंध, लाहौर, फैसलाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और लंदन सेक्रेटरीट समेत दुनिया भर में मनाई गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असगर, मेट्रो 1, कराची।